हेलो एवरीवन। आदि शंकराचार्य की बहुत सारी रचनाओं में से एक रचना है भज गोविंदम, और भज गोविंदम में ही एक दो पंक्तियां हैं, और उन दो पंक्तियों में कहा गया है कि जिन लोगों ने श्रीमद् भागवत गीता के सिर्फ कुछ ही श्लोक पढ़े हैं, थोड़ा सा भी श्रीमद् भागवत गीता को पढ़ा है, या फिर जिन्होंने भक्ति का जो रस है, जो गंगा जल है, वो उन्होंने थोड़ा सा भी अगर पान किया है, तो उनके पूरे जीवन में उसका फल उनको देखने को मिलता है, और यमराज उनकी चर्चा नहीं करते, यानी कि यमराज उनको लेने नहीं आते। सो दैट सेम थिंग गोज विद आवर इन्वेस्टमेंट्स, राइट। तो हमारा जो इन्वेस्टमेंट जो भी हम करते हैं, अगर हम वी आर एक्सपेक्टिंग कि हमने जो भी इन्वेस्टमेंट किया है थोड़े टाइम के लिए, जो भी हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, फिर बाद में हम उसको बंद भी कर दें, तो भी हमें उसका रिटर्न देखने को जरूर मिलता है। सो आवर इन्वेस्टमेंट शुड बी समथिंग विच शुड बी हेल्ड स्पेसिफिकली फॉर द लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम फॉर सम स्पेसिफिक गोल। यही एक तरीका है इन्वेस्टमेंट को ग्रो करवाने का, और लाइफ में एक्चुअली कुछ एक गोल को अचीव कर पाने का रिगार्डिंग योर इन्वेस्टमेंट। थैंक यू।